आज मैं आप लोग के साथ बिल्कुल हलवाई वाले स्टाइल में छेना मलाई चाप की रेसिपी शेयर करूंगी, जो हमारे घर के सामान से कम चीजों से और बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनके तैयार होती है। आपको देख के भी लग रहा होगा कि बहुत ही बढ़िया मीठी मीठी तैयार हुई है। तो आइए मेरी किचन में छेना मलाई चाप बनाते हैं। छेना मलाई चाप बनाने के लिए मैंने ये दूध को फाड़ के छेना बना लिया। ये मैंने 1.5 लीटर दूध फाड़ा था और इसको अच्छी तरीके से इसका पानी वानी निकाल करके ये मैंने तैयार करके रख लिया है। सबसे पहले हम अपनी चाशनी चढ़ा देंगे। ये मैंने 1 कटोरी चीनी ली हुई है। 1 कटोरी चीनी में 4 कटोरी पानी जाएगा और जिस कटोरी से चीनी ली है उसी कटोरी से नाप के पानी भी डालेंगे। इसमें 4 कटोरी पानी डालेंगे। इसमें ये मैंने पानी डाल दिया। अब गैस को हम अपने ऑन कर देते हैं और इसको 1-2 बार मिला देंगे क्योंकि चीनी हमारी नीचे पकड़े नहीं। और इसको हम हाई फ्लेम पे अभी इसको हम पिघलने देंगे और जब ये चीनी पूरी तरीके से पिघल जाएगी तो इसको हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे अपनी चाशनी को। जब तक हमारी चाशनी तैयार होगी तब तक हम अपना छेना तैयार कर लेते हैं। इसको हमको अपने हाथों की हथेलियों से काफी अच्छी तरीके से मसलना होगा, बिल्कुल मसल के एकदम स्मूथ से एक डो बनाना होगा। इसके लिए हमें 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। ये आप देख सकते हो मैंने इसको मसल मसल के बिल्कुल चिकना कर लिया है। ये आप इसको जितने ही मसलोगे ये उतने ही चिकना होता जाएगा, बिल्कुल आटे के डो की तरह तैयार हो जाएगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा और मसलूंगी। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून मैदा डालूंगी। मैदा आपको बिल्कुल बराबर लेवल में नाप के डालना है, कम और ज्यादा कम हो जाए कोई बात नहीं लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे हमारा नरम मुलायम बनके तैयार नहीं होगा। और इसको हम और अच्छी तरीके से 5 मिनट तक मिलाएंगे। ये मैंने इसको मसल मसल के बिल्कुल एक चिकना सा डो बना के तैयार कर लिया। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए। और चेक करने के लिए 1 लोई लेंगे इसमें से और हम इसको रोल करेंगे। रोल करते हुए अगर ये देखिए बिल्कुल चिकनी सी ये लोई बन के तैयार होगी, कहीं से भी क्रैक वगैरह कुछ नहीं आया, तो ये हमारा मैदा परफेक्ट तैयार हो गया है। यहाँ पे ये चाशनी को भी बनते हुए 5-6 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें 7-8 केसर के धागे डाल दूंगी। इससे ना बहुत अच्छा सा एक टेस्ट तो आ ही जाता है, कलर भी बहुत प्यारा सा आता है। अभी हम मैदे से जो छेना और मैदा हमने मिला करके डो तैयार किया हुआ था उससे हम एक बराबर बराबर साइज की थोड़ी बड़ी गोलियां बनाएंगे, क्योंकि हमको इसमें बाद में स्टफिंग भी डालनी है। तो थोड़ी बड़ी बड़ी सी गोलियां बना करके और इसको तैयार करेंगे। ये मैंने बराबर हाथों में बांट दिया सारा। ये मैंने यहाँ 1.5 लीटर दूध को फाड़ा था और जिससे मुझे लग रहा है कि 7 या 8 बन के तैयार होंगी। और इसको हम बहुत चिकना सा करते हुए बनाएंगे इसका अपना, आपको बिल्कुल एकदम अच्छा सा एक स्मूथ सा हथेलियों पे बनाना होगा इसको। ये बिल्कुल स्मूथ मैंने तैयार कर लिया है और अब हम इसको हाथों से प्रेस कर देंगे। हाथों से प्रेस करने के बाद भी इसके किनारों को भी काफी अच्छे से घुमाते हुए स्मूथ करना होगा। ये सारी टिक्कियां बना ली है, अब हम इसको चाशनी में डालते हैं। एक एक करके डालेंगे। पहले एक डाल के मैं चेक करूंगी 2 मिनट के लिए कि कहीं बिखर तो नहीं रही है। अगर बिखरेगी तो फिर हम इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए। और ये अगर ये परफेक्ट होगी तो ये 2 मिनट के बाद अपने आप ऊपर आ जाएगी। आप देख रहे हो ये ना, ये ऐसे ही तैरते तैरते अपने आप एकदम ऊपर आ जाएगी। और एक चीज का और यहाँ ध्यान रखना होगा कि बर्तन हमें खुला लेना होगा, जैसे मैंने बड़ी सी कढ़ाई ली हुई है क्योंकि इसको फूलने के लिए भी अपनी जगह चाहिए। ये आप देख सकते हो जो मैंने डाला ये बिखर नहीं रहा। अब मैंने जितना बनाया हुआ है ये सारा मैं एक एक करते हुए आराम से डाल दूंगी। ये मैंने सारा डाल दिया है और ये परफेक्ट बाइंडिंग है क्योंकि ये सारा जो है हमने डाला हुआ रसगुल्ला ये सारा ऊपर को आ रहा है। और इसको हम यहाँ पे ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए ढकेंगे और बीच में खोल के चेक नहीं करेंगे, इसको 5 से 7 मिनट के बाद ही चेक करेंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, हम इसको चेक करते हैं। और आप ये देखिए ये एकदम साइज में ना दुगना हो चुका है। इसको हम एक बार पलटेंगे हल्के हाथों से कि दोनों तरफ से अच्छी तरीके से ये पक्के और चाशनी बिल्कुल अच्छी तरीके से अंदर चली जाए। ये मैंने इसको पलट दिया है और इसको हम फिर ढक करके कम से कम 8 से 9 मिनट के लिए ढक के और छोड़ देंगे, फिर ये हमारा तैयार हो जाएगा। 8-9 मिनट हो गए, चेक करते हैं। आप इसका साइज देखिए, ये दुगना से तिगुना हो गया। और यहाँ पे करते हैं गैस को बंद और इनको ठंडा होने देंगे। ये हल्का हल्का ठंडा हो गया, अब हम इसको और ठंडा करने के लिए इसको निकाल करके प्लेट में निकाल लेंगे किसी, और इसकी हल्की हल्की सी चाशनी दबाते हुए निकालनी है क्योंकि हमको चाशनी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। मलाई चाप के अंदर भरने के लिए हमें मलाई बनाने के लिए ये मैंने मिल्क पाउडर ले रखा है। अगर आपके पास मावा हो तो आप वो ले लीजिएगा। ये मिल्क पाउडर 2 चम्मच है और इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट है। ये काजू बादाम और पिस्ता को मैंने काट लिया है, बहुत बारीक ना है ना, बहुत मोटा है। और इसको हम इसमें डालेंगे और इसमें मैं 1 चम्मच डालूंगी
कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, अगर आप कंडेंस मिल्क इसमें नहीं डालोगे तो आप इसमें चीनी डाल लीजिएगा, क्योंकि हमको थोड़ा सा इसको मीठा करना पड़ेगा। और थोड़ी सी इसमें मैं डालूंगी फ्रेश मलाई जो दूध की होती है, वो मैंने उतार के इसमें डाल ली है। और इन चीजों को काफी अच्छी तरीके से मिला करके एक पेस्ट सा बनाएंगे। ये मैंने सारी चीजों को काफी अच्छी तरीके से मिला के एक पेस्ट सा तैयार कर लिया है और इसको हम साइड में रखते हैं। ये मेरा छेना चाप तो बन गया है, अब इसमें आती है मलाई भरने की बारी। मलाई भरने के लिए ये मैंने इसको काट रखा है पीस से, आपको ऐसे काटना होगा, थोड़ा बहुत आराम आराम से ये कटेगा। और ये काट के तैयार कर लेंगे। और ये हमने सारा क्रीम और ड्राई फ्रूट्स मिला के रखा हुआ था, अब इसको हम लगाएंगे इस पे, एक पीस उठाएंगे और आराम से हाथों से, अगर स्पून से नहीं लग पाता है तो उंगलियों की सहायता से अच्छी तरीके से हर तरफ से कवर करते हुए। एक चीज का ध्यान देना है कि ना बहुत ज्यादा मोटा लगाना है, बहुत पतला लगाना है। और ऐसे लगाते हुए हाथों से एक बराबर एक सार करते हुए, और जो दूसरी पीस है इसको हमको इसके ऊपर रख करके और हल्के से प्रेस करके इसको ऐसे ही तैयार करते जाना है। ये मैंने सारा प्लेट में रख लिया है। और इसको डेकोरेट करने के लिए जो मैंने चाशनी में केसर डाला हुआ था ना, उसको निकाल करके और इसके ऊपर हल्का हल्का सा लगाते जाएंगे। आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में भी, एक पंथ दो काज हो गया, उधर भी यूज हो गया और इधर भी यूज हो गया। इसको हम थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे। ये मैंने बादाम को भिगो करके छिलके निकाल के स्लाइस कर लिया था, ये डालेंगे, थोड़ा सा पिस्ता था और एक एक गुलाब की पंखुड़ियाँ डालते सुखा के मैंने रखी हुई थी, ये डालेंगे। और ऐसे ही हम सारा डेकोरेट करके तैयार करेंगे। ये मेरा मीठा सा छेना मलाई चाप बनके तैयार हो गया। अगर आप लोग को मेरी ये मीठी सी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।